हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संजना और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 4 से 5 ब्रेड लिया है और ब्रेड के चारों तरफ से जो साइड के पोर्शन होते हैं ना, उनको हमने निकाल के कटोरी में रख लिया है। अब हम मिक्सी जार लेंगे और उसमें ब्रेड के टुकड़े करके उसमें ऐड कर देंगे और मिक्सी में पीस देंगे हम ब्रेड। बर्तन में हम पीसे हुए ब्रेड को निकालेंगे। एक छोटे गिलास में दूध लेंगे हम और आटे की तरह गूंथ लेंगे दूध के सहारे। ज़्यादा दूध नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा ही दूध चाहिए। तो चलिए हम इसको गूंथते हैं। हमने दूध को मिक्स कर लिया है। अब हाथों से इसको आटा बनाएंगे। जैसे आटा हम लोग गूंथते हैं ना, सेम वैसे ही गूंथना है इसको। तो आप देख सकते हैं हम कैसे गूंथ रहे हैं। सेम हमें आटे की तरह गूंथना है इसको। तो आप देख सकते हैं हमने फाइनली गूथ लिया है। इसको थोड़ा सा दूध लगा के सॉफ्ट कर देंगे तो हमारा आटा तैयार हो चुका है। 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे इसको छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। फाइनली हमने अच्छे से इसको गूथ लिया है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब हम इसकी लोई बना लेते हैं। लोई बना के रख लिया, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब तेल गरम करते हैं। हमने रिफाइंड लिया है। अब एक एक करके हम लोई इसमें ऐड करेंगे और ब्रेड को सुनहरा होने तक इसमें हम पकाएंगे। तो हमने सारे बॉल्स को इसमें ऐड कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसको एक पलटे की मदद से हल्का हल्का चला करके फ्राई कर लेंगे। हम मीडियम आँच में इसको फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फ्राई हो रहा है, गोल्डन कलर आ चुका है इसको। और हम थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे। अब इसका कलर चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं। 2 मिनट और हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा और कलर चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है, इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। अब जामिन को अब निकाल लेंगे जो हमने बनाया है, और ऐसे ही जो बॉल्स बनाए हैं ना हमने, उसको भी इसमें फ्राई कर देंगे जो बचे हुए थे। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको भी फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे हम। आप देख सकते हैं इसका भी कलर कितना अच्छा आया हुआ है। तो अब चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। ये हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। अब एक छोटी सी कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे, 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगे। अब हम इसका चाशनी बनाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक खौला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने खौलने के लिए छोड़ दिया है। तो चाशनी हमारी उबलने लगी है। आप देख सकते हैं हमारी चाशनी बन के रेडी हो चुकी है। 1 से 2 मिनट ही लगता है चाशनी बनाने में। और हमने जो ब्रेड का गुलाब जामुन बना के रखा है ना, उसको अब इसमें ऐड कर देते हैं। हमको गरम चाशनी में भी ऐड करना है, ठंडा होने पे नहीं ऐड करना है। और 1 से 2 मिनट तक पका लेना है इसमें। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें ऐड कर दिया है और कितने अच्छे से बन के रेडी हुए हैं हमारे ये गुलाब जामुन ब्रेड के। अगर आप बनाना चाहते हैं तो मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो फाइनली हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है हमारा ये ब्रेड का गुलाब जामुन। अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ों को भी अच्छा लगता है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।